जी बिल्कुल, देखें ओशन मॉल में 3 साल का बच्चा अमान जो है उसका उसका पाँव आ गया था और कुछ दिनों पहले उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, तिब्बी इमदाद उसको दी जा रही थी। तहम उस पर एक डेवलपमेंट हुई है। डॉक्टर इमरान अली शाह हैं, पीटीआई के रुकन असेंबली हैं, उनसे अभी रब्ता हुआ है। कामरान साहब हैं, मीडिया ब्यूरो चीफ हैं उनके ज़रिए, और उन्होंने ये कहा है कि मैं इस बच्चे का तमाम इलाज कराना चाहता हूँ मेरे अस्पताल से। अगर वो फैमिली चाहे तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इलाज करवा सकती है। 3 साल का बच्चा अमान जब सीढ़ियों से जा रहा था, जो बरकी सीढ़ियाँ हैं उधर, उसका पाँव आ गया था और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। तहम एक ये डेवलपमेंट हमने वालिद साहब से उनका रब्ता भी करवा दिया है। और तहम वालिद साहब ये कह रहे हैं कि अभी मैं जो है वो लास्ट ऑपरेशन रहता है, तौफीक साहब नाम है, वो अभी प्राइवेट अपने बच्चे का इलाज करवा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अपने बच्चे का इलाज खुद करवा सकता हूँ और कर रहा हूँ। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया इस नेक नियति के ऊपर जो डॉक्टर इमरान अली शाह ने शो की है। और इसके ऊपर हमने पूछा कि FIR, तो FIR वो बिल्कुल करवाएंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि FIR नहीं होगी तो उनकी गलत फहमी है, FIR भी होगी। और उनका कहना है कि मैं इकदाम कत्ल की दफात शामिल करूँगा FIR के अंदर, और ओशन मॉल की जो इंतज़ामिया उसको शामिल करूँगा। और वो बच्चा लास्ट ऑपरेशन है तो उसके बाद जो है वो आएंगे और ये FIR जो है दर्ज होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि तफ्तीश किस करवट बैठ के कितना तफ्तीश होगी, हम इसको रिपोर्ट ज़रूर करेंगे, पीछे लगेंगे इसके। और साथ ही ये वाला मामला है कि जो पुलिस है वो पॉजिटिवली रोल दिखा रही है। SSP साउथ ने रायजाद, उन्होंने कहा है कि जैसे ही मुद्दे आएंगे हम उनकी FIR करेंगे और कोई मसला नहीं है, और मुकम्मल तौर पर उन्होंने यकीन दानी करवाई है। दिल इंतजामिया ने भी जो है लेटर जारी किए तमाम डिस्ट्रिक्ट साउथ के जितने भी ये मॉल्स हैं, मालकान हैं, उनको के तमाम अपने सर्टिफिकेट्स ले आए। दरअसल ना वो हम उनसे पूछेंगे, तबरेज़ साहब थे DC, उनसे भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने लेटर जारी कर दी है। तमाम अब जब वो लेटर और सर्टिफिकेशन उसके बाद अगर उन्होंने नहीं दी तो उन्होंने वाजे तौर पर कहा था तबरेज़ साहब थे कि जी हम बंद करेंगे, हम ताले लगाएंगे। तो उनकी ये बात हमारे कानों में और जहन में महफूज है, हम देखेंगे कितने ताले लगते हैं।